नमस्कार, समाचार कैरियर न्यूज में आपका स्वागत है। सभी प्रकार की लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुग्राम नगर निगम चुनाव के वार्ड 2 से इनेलो उम्मीदवार उषा ऋषिराज राणा का समर्थन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वार्ड 2 के मतदाता इनेलो के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। जगह जगह मिल रहे समर्थन में जीत के आशीर्वाद से इनेलो कार्यकर्ता उत्साहित व गदगद हैं। श्रीमती राणा ने पालम विहार सी ब्लॉक में डोर टू डोर प्रचार कर सभी नागरिकों से मतदान करने का आह्वान करते हुए हाथ जोड़कर व बुजुर्गों के पैर छूकर चश्मे के सामने वाला बटन दबाने का आग्रह किया। सर्वे के अनुसार वार्ड 2 में इस समय सबसे सक्रिय उच्च शिक्षित इनेलो प्रत्याशी घर घर जाकर मतदान की अपील कर रही श्रीमती उषा राणा अन्य सभी प्रत्याशियों पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार इनेलो ने वार्ड 2 की सीट पर जीत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। बुजुर्गों के आशीर्वाद व महिलाओं के जत्थे के साथ प्रचार पर निकली श्रीमती राणा के आत्मविश्वास भरी चेहरे पर जीत की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। समूचे वार्ड में चारों ओर इनेलो की जीत की ही चर्चा है। इंडियन नेशनल लोकदल अपनी जीत की शुरुआत वार्ड 1 व वार्ड 2 से करने जा रही है। वार्ड नंबर 1 और 2 से इनेलो पार्टी सबसे अधिक मतों से विजयी रहेगी, यह कहना है इनेलो के पूर्व पार्षद ऋषिराज राणा का। वार्ड 1 से श्रीमती नीलम और वार्ड 2 से धर्मपत्नी उषा राणा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे पूर्व इनेलो पार्षद क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के दम पर दोनों वार्डों में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। श्रीमती उषा ऋषिराज राणा, जो कि एमए एमफिल बीएड डिग्री धारक हैं तथा एक सशक्त महिला के तौर पर बहुत ही विनम्रता व शालीनता से चुनाव प्रचार कर समस्त वार्ड में अपनी लोकप्रिय छवि बना चुकी हैं। दूसरी ओर जहां अन्य महिला प्रत्याशी केवल और केवल अपने पति के मुखौटे के सहारे चुनाव मैदान में हैं, वहीं इनेलो प्रत्याशी उषा राज राणा की राजनीतिक सक्रियता व शैक्षिक योग्यता उनको अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले अधिक बेहतर बनाती हैं और निश्चित तौर से इनेलो की जीत के दावे को पुख्ता करती है। धन्यवाद। समाचार क्यारी न्यूज़।